हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कई लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर BNSS पे भी लेक्चर बनाएं, ठीक है। तो इसके पहले हमने 3 लेक्चर बनाए हैं, ये हमारा चौथा लेक्चर आज का रहने वाला है, ठीक है। तो BNSS का भी हमने रोक दिया, 2-3 लेक्चर और बचे हैं हमें भारतीय न्याय संहिता के, उसको भी जल्द हम कंप्लीट कर देंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जहाँ पे धारा 21 से लेकर धारा 29 तक में प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर बेसिकली बात क्या किया गया है कि कौन से ट्रायल कोर्ट होते हैं। अभी हमने देखा कि कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, कौन कौन से दंड न्यायालय होते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था। तो आज के सेशन में बात करेंगे कि विचारण न्यायालय यानी ऐसे कौन कौन से न्यायालय हैं कि जो ट्रायल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा ये भी कि मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है। अब यहाँ पे इसकी देखिए हेडिंग ही देखिए चैप्टर 3 की क्या कहता है, न्यायालयों की शक्ति यानी पावर की बात करता है न्यायालय कि कितनी पावर है। पावर का मतलब कितनी सज़ा दे सकते हैं यानी कितने साल तक की सज़ा कौन दे सकता है, ये सारी चीज़ें डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बने रहे एंड तक हमारे साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दंड न्यायालयों की शक्ति के बारे में, तो धारा 21 से धारा 29 तक, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सेक्शन 21 से 29 तक बताया गया है। वहीं अगर हम CRPC की बात करते हैं, कंपेरिजन करते हुए चलिए कहाँ पे था और अब प्रोविजन कहाँ पे आ चुका है। तो अगर देखें दंड प्रक्रिया संहिता जो हमारा पुराना चल रहा था, तो उसमें कहाँ पे बताया गया था, तो न्यायालयों की शक्ति के बारे में अगर प्रावधान की बात करें तो सेक्शन 26 से स्टार्ट होता था और 31 पे यहाँ पे एंड होता था। इसका न्यायालयों की पावर के बारे में बात किया जाता था। अब यहीं अगर 21 से 29 तक में हो गया, तो इसे आप पहले सेक्शन की बात करते हैं अगर, तो जो हमारा पहला सेक्शन आता है इसमें न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणी है। अब सेक्शन 21 हो गया, पहले 26 था, अब 21 हो गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 कोर्ट्स आपको देखने में मिलने वाली है। तो पहली चीज़ तो यहाँ 2 कैटेगरी डिवाइड की हुई है। तो 2 कैटेगरी कौन कौन सी है, पहली कैटेगरी आती है कि अगर मान लीजिए भारतीय न्याय संहिता के तहत अगर अपराध होता है, पहले IPC था, अब इसकी जगह क्या कर दिया, भारतीय न्याय संहिता कर दिया है। और भारतीय न्याय संहिता जो बनी हुई है अभी आई 2023 की, तो उसके तहत अगर अपराध होता है तो कौन सा कोर्ट उसका ट्रायल करेगा। अगर दूसरा कहता है कि अदर एक्ट यानी कि जैसे मान लीजिए आर्म्स एक्ट है, NDPS एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, या फिर अदर कोई भी एक्ट है, उसके अगर उसमें अगर अब जो अपराध बताया गया है अगर वो अपराध होता है तो उसका ट्रायल कौन करेगा, तो इसके बारे में दूसरे कैटेगरी में बताया। तो चलते हैं पहले पहले कैटेगरी में। तो पहले कैटेगरी क्या कहता है कि भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध का विचारण निम्न के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर 3 कोर्ट बताई है, 3 कोर्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए 2 कोर्ट तो आपकी स्पेसिफाइड कर दिया है कि ये कोर्ट रहेगी आपके ट्रायल कोर्ट। तीसरा आता है आपका कि ऐसे न्यायालय जो प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट बताए गए हैं, यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं है। यहाँ पे हो सकता है आपका JMFC हो सकता है या JMSC हो सकता है, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी हो सकता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए तो पहला क्या कहता है, हाई कोर्ट भी क्या है आपका ट्रायल कोर्ट है। दूसरा आता है सेशन न्यायालय, यानी सेशन न्यायालय में जो ट्रायल की जा सकती है। तीसरा आता है आपका अन्य न्यायालय जो प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए, प्रथम अनुसूची जो लास्ट में आप देखोगे फर्स्ट शेड्यूल, उसमें बहुत सारे अपराध का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें बताया गया कि कौन से अपराध बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है, कौन से कॉग्निजेबल है, कौन से नॉन कॉग्निजेबल है, किसके द्वारा ट्रायल किया जाना है, प्रथम वर्ग के द्वारा या द्वितीय वर्ग के द्वारा या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो पहली कैटेगरी आपको समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमने एक सेक्शन पढ़ा था जहाँ पे बताया गया है कि क्रिमिनल कोर्ट कौन कौन से हैं, तो क्रिमिनल कोर्ट में एक और कैटेगरी आई थी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है वो भी क्या होता है, वो क्रिमिनल कोर्ट होता है, यानी दंड न्यायालय तो होता है लेकिन यहाँ पर ये ट्रायल कोर्ट नहीं होता, यहाँ पर विचारण नहीं कर सकता, इसका ट्रायल इसके द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं किया जा सकता, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ दंड न्यायालय की, तो दंड न्यायालय है यानी कि क्रिमिनल कोर्ट तो है लेकिन ट्रायल कोर्ट यहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए एक परंतु जोड़ा गया है, परंतु क्या कहता है, इसमें पहले भी था अब भी है। तो यहाँ पे अगर जो सेक्शन 64 से लेकर सेक्शन 71 तक के अपराध हैं BNSS के, अब ये अपराध कौन कौन से हैं, अब जैसे मान लीजिए रेप से रिलेटेड है, ठीक है, सामूहिक बलात्संग हो गया, फिर नॉर्मल जो भी रेप से रिलेटेड मामले हैं जो सेक्शन 64 से लेकर 671 तक के बीच में है BNSS का, ये सारी धाराएं हमने पढ़ी हुई है, आप देखना चाहो तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इसके तहत अगर अपराध होता है, इन धाराओं का अपराध होता है, तो ऐसे
ऐसे न्यायालय के द्वारा विचारण किया जाएगा, ऐसे न्यायालय के द्वारा उसको सुना जाएगा, उसका ट्रायल किया जाएगा, जिसमें कौन, जिसमें महिला पीठासीन हो, यानी कि जो वहाँ पे जज बैठी हों, मजिस्ट्रेट बैठी हों, कौन होनी चाहिए, वो एक महिला होनी चाहिए, उन्हीं के द्वारा क्या किया जाएगा, ऐसे अपराधों का ट्रायल किया जाएगा। आगे बात समझ में, ये तो हो गया आपका BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के बारे में। अगर अन्य विधि के अधीन कोई अपराध किया जाता है, यानी बहुत सारे एक्ट ऐसे बने हैं जो बहुत सारे अपराध ऐसे हैं जो आपके BNS में नहीं मिलेंगे, वो एक स्पेशल एक्ट बनाकर उसमें क्या कर दिया, डाल दिया गया अपराध को। जैसे SC ST एक्ट है, यानी कि अनुसूचित जनजाति वाला अधिनियम बनाया गया है, तो उसके तहत अगर अपराध होता है तो कौन उसका ट्रायल करेगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कहता है, तीन कैटेगरी यहाँ पर भी बताई गई है। तो तीन कैटेगरी में पहला कैटेगरी क्या आता है, कहता है कि यदि उस विधि में कोई न्यायालय उल्लिखित है, अब मान लीजिए कोई स्पेशल एक्ट बनाया, जैसे SC ST एक्ट बना हुआ है, अब उस एक्ट में बता दिया, यहाँ पे एक्सप्रेसली बता दिया गया कि अगर इसके तहत कोई अपराध होता है तो ये उसके मामला किसके द्वारा ट्रायल हो जाएगा, वो सेशन न्यायालय के द्वारा ट्रायल होगा, या फिर इसकी में कोई स्पेशल कोर्ट अगर बनाई गई है तो उस स्पेशल कोर्ट के द्वारा इस मामले को देखा जाए। अगर इस प्रकार से उसमें अभिव्यक्त किया गया, उसमें लिखा गया है, तो क्या होगा, उस कोर्ट के द्वारा यहाँ पे उसका ट्रायल चलाया जाएगा। दूसरी चीज़ कहता है कि यहाँ पर अगर इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा तो हाई कोर्ट उसका ट्रायल करेगा। हाई कोर्ट भी अगर ट्रायल नहीं करता है तो फिर अन्य न्यायालय जो प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में जो बताए गए हैं, जो बताए जाएंगे, उसमें क्या किया जाएगा, उनके द्वारा इस अपराधों का ट्रायल किया जाएगा, यानी कि विचारण किया जाएगा। तो विचारण होता क्या है, तो पहली चीज़ तो ये देखिए, अभी विचारण अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको विचारण नहीं समझ में आएगा। तो विचारण क्या होता है, यानी कि ट्रायल क्या होता है, जब यहाँ पे मामला यहाँ कोर्ट में जाता है, यानी कोर्ट का मतलब या तो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा या फिर सेशन न्यायालय के पास जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मामला वहाँ पहुँचता है तो क्या होता है, आरोप लगते हैं। जब आरोप लगा दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, गवाहियाँ स्टार्ट होती है। जो गवाही स्टार्ट होती है ना, उसी को बोला जाता है बेसिकली ट्रायल बोला जाता है, यानी कि उसका विचारण किया जाना। आरोप के पहले तक तो यहाँ पे क्या करता है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करता है, यही इंक्वायरी चलती है कि इसने अपराध किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो स्वेच्छा से क्या कर सकता है, उसको प्ली ऑफ गिल्टी कर सकता है, अब वहाँ पे कम सजा हो सकती है, या फिर अगर जैसे आरोप लग गया तो आरोप के बाद यहाँ से ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ट्रायल का मतलब कि एक प्रकार से एविडेंस का आना, यानी कि साक्ष्यों को आना स्टार्ट हो जाता है इसमें। तो यह होता है आपका ट्रायल। तो आपको इतना समझ में आया कि कौन कौन से ट्रायल कोर्ट हैं, कौन से नहीं हैं, और कौन से अपराध का विचारण कौन न्यायालय करेगा। तो ये है आपका डायग्रामेटिक फॉर्म में पूरा का पूरा, वो आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगर अगले सेक्शन की ओर, तो अगला सेक्शन जो हमारा है वो क्या कहता है, दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे एक सहायक सेशन न्यायाधीश भी हुआ करता था। कौन, सहायक सेशन न्यायाधीश। इसमें पहले जो हमारा CRPC चलता था, तो CRPC में क्या एक वर्ड था, सहायक सेशन न्यायाधीश का एक प्रावधान किया गया था, असिस्टेंट सेशन जज का। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, जो असिस्टेंट सेशन जज का प्रावधान था उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे उसको पास पावर कितनी थी कि अगर जो 10 वर्ष तक के जो मामले होंगे वो कौन सुनेगा, सहायक सेशन न्यायाधीश सुन सकता है, उसमें दंड दे सकता है, कितना, 10 वर्ष तक का। तो ये सहायक सेशन न्यायाधीश की पावर थी। अब इसको क्या कर दिया गया, इसको कर दिया गया ख़त्म, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब कौन बचा है, सिर्फ सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश यहाँ पर बचे हुए हैं। तो अब यहाँ पे अगर इनकी पावर की बात की जाए, तो हाई कोर्ट की पावर की बात की जाए, तो वो विधि द्वारा प्रायोजित कोई भी दंड दे सकता है। यानी कि हाईएस्ट पनिशमेंट कौन सी है, आपकी डेथ पनिशमेंट। तो डेथ पनिशमेंट दिया जा सकता है किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पर ये तो हो गई हाई कोर्ट की बात। अब बात करें अगर सेशन न्यायाधीश या फिर अपर सेशन न्यायाधीश की, तो ये भी क्या कर सकते हैं कि विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकते हैं। यानी कि आप या चाहें तो डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं, LI दे सकते हैं यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास, या फिर जो मर्जी वो सज़ा दे सकते हैं, लेकिन ऐसी सज़ा जो सिर्फ विधि में बताई गई हो, विधि के बाहर की कोई दंड नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर ये तो होगी बात दंड की, इन किसकी, उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश की। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है आपकी, कि अगर मान लीजिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंड तो दे सकते हैं, कौन,
सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश। लेकिन यहाँ पर अगर इनके द्वारा अगर डेथ पनिशमेंट दी जानी है ना, तो उसके पहले क्या करना होगा, तो ये हाई कोर्ट में उस मामले को भेजेंगे, उसकी एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे कि ऐसा ऐसा मामला है, इसमें हम मृत्युदंड देना चाहते हैं। तो अगर हाई कोर्ट को भेजा जाएगा, भाई को कहाँ भेजा जाएगा, धारा 407 BNSS में। पहले कहाँ पर भेजा जाता था, धारा 366 था, वहाँ पर भेजा जाता था CRPC के तहत। अब कहाँ पर आ गई ये धारा 407 में, जहाँ पे हाई कोर्ट को भेजा जाता है ताकि उस मामले की एक पुष्टि की जा सके कि डेथ देना है या नहीं देना है। अब उसके बाद जब यहाँ पे अगर हाई कोर्ट जांच करता है, देखता है सारे रिकॉर्ड्स देखता है, उसके बाद अगर उसको लगता है कि यहाँ पे मृत्युदंड देना है, सही बात है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसके एग्जीक्यूशन के लिए धारा 413 एक CRPC की आती थी, तो वहाँ पर मृत्युदंड का एग्जीक्यूशन होता था। अब यहाँ पे कहाँ पे होगा, सेक्शन 453 यानी 453 यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा उस मृत्युदंड का। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यानी धारा 407 से लेकर धारा 411 BNSS का, और साथ ही साथ धारा 453 भी इसके साथ आपको लिंक करते हुए पढ़ना है। यानी कि अगर सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड देते भी हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करवाना होगा, यहाँ पर पुष्टि करवानी होगी, यानी कंफर्मेशन करना होगा किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। तो हाई कोर्ट में पहले मामले को भेजेंगे और उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके, और फिर उसके बाद हाई कोर्ट क्या करेगा, अगर यहाँ पे कहता है कि अगर इनको कन्विक्ट करना चाहिए हाई यानी मृत्युदंड देना चाहिए, तो मृत्युदंड देगा। दो संधि में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं कि अगर 10 वर्ष करना चाहे 10 वर्ष भी कर सकता है हाई कोर्ट, मामले में जो भी पनिशमेंट है उसको चेंज करना चाहता है चेंज कर सकता है, या दोषशुद्ध भी या दोषमुक्त भी कर सकता है। ये सारी चीज़ कौन करेगा, फिर हाई कोर्ट करेगा मामले को देखने के बाद। तो ये है आपका हाई कोर्ट और सेशन न्यायाधीश। अब बात आती है निचले कोर्ट की। अब और निचला कोर्ट कौन सा होता है, सबसे निचला कोर्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट होते हैं। अब मजिस्ट्रेट की कोर्ट की बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे तीन मजिस्ट्रेट आपको देखने को मिलेंगे। पहला आता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा आपको प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, और तीसरा आता है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। तो सबसे निचला कोर्ट कौन सा होता है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का। फिर उससे ऊपर कौन होता है, प्रथम वर्ग। फिर उससे ऊपर होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को बनाया कैसे जाता है, तो अगर मान लीजिए किसी जिले में बहुत सारे यहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, तो उन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेटों में से उनमें किसी एक को उठा करके अब बना दिया जाता है CJM, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनको बना दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पावर की बात करें, तो कितनी सज़ा दे सकते हैं, ये 7 वर्ष तक की सज़ा दे सकते हैं, जुर्माना कितना भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जुर्माने का यहाँ पे इनके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं बताया कि आप जितना जुर्माना लगाओगे। लेकिन वही अगर प्रथम वर्ग यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, तो वहाँ पे कहता है 3 वर्ष तक, यानी सज़ा कितनी दे सकते हैं, कारावास की 3 वर्ष तक दे सकते हैं, या फिर 50,000 रुपये तक अगर जुर्माना लगाना चाहें तो 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। पहले यहाँ पर कितना था, 10,000 रुपये था, ठीक है। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की पावर बढ़ा दी, अब यहाँ पे 50,000 रुपये तक के यहाँ पे जुर्माना लगाया जा सकता है। या फिर एक जो नई पनिशमेंट जोड़ी गई है, सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस, तो कम्युनिटी सर्विस भी यहाँ पे दिया जा सकता है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब बात करते हैं अगर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की, तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की पावर उतनी यहाँ पे क्या कर दी है, 5,000 से बढ़ाकर यहाँ पे 10,000 कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे कारावास की जो पावर थी उतना का उतना ही है, यानी 1 वर्ष पहले भी था द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए, और 1 वर्ष अभी भी है। अब एक चीज़ और जोड़ी है, सामुदायिक सेवा इसमें भी जोड़ दिया है कि अगर कम्युनिटी सर्विस के लिए यहाँ पनिश करना चाहिए तो कर सकता है। जैसे आप देखते हो आप चोरी यानी कि BNS में अगर आप चोरी देखोगे, तो चोरी में एक पनिशमेंट जोड़ी गई है सामुदायिक सेवा की। अगर 5,000 रुपये से कम की संपत्ति चोरी होती है, ठीक है, और उस चोरी हुई संपत्ति में अगर 5,000 रुपये उस संपत्ति को वापस कर दिया जाता है, और पहली बार ऐसी चोरी की है उस अपराधी ने, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा, ना कि किसी अदर पनिशमेंट से। ऐसा उसमें एक पनिशमेंट अलग से जोड़ दिया गया है। ये हो गए आपके मजिस्ट्रेट के पनिशमेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने सामुदायिक सेवा की बात की, तो जो सामुदायिक सेवा के लिए यहाँ पे उसको भेजा जाएगा अपराधी को, तो उसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा उसको, ना तो सैलरी दी जाएगी ना वेतन दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि एक प्रकार से क्या है, एक दंड है ये तो जनरल सी बात है कि अगर उसको सामुदायिक सेवा के लिए पनिश किया जा रहा है तो एक प्रकार से दंड है, तो उसको तो पारिश्रमिक मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि कोई यहाँ पे कमी ना रह जाए, ठीक है, ताकि आप उसका गलत इंटरप्रिटेशन मत करो, इंटरप्रिटेशन इसलिए यहाँ पे स्पष्ट करती है, स्पष्टीकरण एक्सप्लेन करते हुए।
अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन 24 की, जो पहले सेक्शन 30 में हुआ करता था। इसमें क्या बताया है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। अब यहाँ पे न्यायालय ने क्या किया, न्यायालय ने अपराधी के ऊपर लगाया जुर्माना। अब मान लीजिए लगाया जैसे 5,000 रुपये, यहाँ पर जुर्माना लगा दिया। अब 5,000 रुपये जुर्माना लगाया लेकिन उस अपराधी के द्वारा जुर्माना दिया ही नहीं जा रहा है, व्यतिक्रम किया जा रहा है, चूक किया जा रहा है, डिफॉल्ट किया जा रहा है उस, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, फिर उसके लिए फिर अलग से कारावास होता है। यानी कि जितना उसका मेन पनिशमेंट है, यानी कि मान लीजिए 1 साल का कारावास दिया गया था और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, तो यहाँ पर इस एक साल का, यानी कि 1 साल का जो पनिशमेंट दिया गया था वो तो रहेगा ही रहेगा, अगर जुर्माना नहीं दिया जाता तो उस 1 साल के अतिरिक्त और सज़ा उसको सुनाई जा सकती है। अब कितना सज़ा सुनाई जा सकती है, अब यहाँ पे ये देखिए, अब इसके साथ आप BNS की धारा सेक्शन 8 भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, धारा 8 भी, उसमें बताया कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कितना सज़ा दिया जा सकता है, तो सेक्शन 8 में आप पढ़ सकते हो। तो पहले यहाँ पे कहाँ पे था, जो आपकी सेक्शन 65 और 67 यहाँ पे कहाँ पे था, IPC में, अब वो कहाँ आ चुकी है, सेक्शन 8 में आ चुकी है, ठीक है। तो ये हो गए। अब यहाँ पे देखिए, मजिस्ट्रेट जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर विधि द्वारा प्राधिकृत कारावास अधिनिर्णित कर सके, यानी विधि में जो प्राधिकृत हो दंड वो क्या कर सकता है, उसको दे सकता है, किस चीज़ के लिए, डिफॉल्ट के लिए, अगर डिफॉल्ट किया जा रहा है उस चीज़ के लिए, परंतु वह अवधि, यानी डिफॉल्ट के लिए जो अवधि दी जा रही है, यानी जिस कारावास की सज़ा सुनाई जा रही है ना, वो कितनी होनी चाहिए, धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक ना हो, यानी कि मजिस्ट्रेट को जितनी पावर है उससे ज़्यादा यहाँ पर सज़ा नहीं दी जा सकती। उसके बाद कहता है, जहाँ कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है, यानी कि जब जो मेन पनिशमेंट थी उसके भाग के रूप में कुछ यहाँ पे क्या किया गया, जुर्माना लगाया गया है, तो जो जुर्माना, जब मान लीजिए जिसे 1 साल का, यानी कि 12 महीने की सज़ा सुनाई गई, अब इसके साथ क्या किया गया, यहाँ पे कुछ जुर्माना भी लगाया, जुर्माना नहीं दिया जाता ना तो वो क्या कर सकता है कि यहाँ पे जितनी सज़ा देना चाहे न्यायालय दे सकता है, लेकिन इस 12 महीने का 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कहता है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पे कहता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास, यानी कि जो व्यतिक्रम के लिए कारावास दिया जा रहा है, वो मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त तो होना चाहिए, यानी जो 1 साल का दिया हुआ है 12 महीने का वो तो रहेगा ही, साथ ही साथ उसके अतिरिक्त यहाँ पे कारावास दिया जाएगा जुर्माना ना देने पर। आगे समझ में, तो यह है आपका सेक्शन 24, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, सेक्शन जो मैंने अभी इसके पहले बताया उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है सेक्शन 25, ठीक है ना, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे वही हम बात कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे कोई भी बात नहीं करने वाले। अब यहाँ पे कहता है, एक ही विचार में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के लिए मामले। अब यहाँ पे कहता है कि कई मामलों में दोष सिद्ध किया गया, यानी कि अगर कोई अपराधी है उसने क्या किया है, 1 से अधिक अपराध किया है, यानी कि एक ही कॉन्सिक्वेंस में, यानी अपराध तो एक ही किया है लेकिन उसके एवज में बहुत सारे ऐसे एक्ट कर दिए कि कई अपराध हो गए, यानी कई आरोप लग गए उस पर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, कई मामलों दोष सिद्ध के मामले में न्यायालय अपराधों को गंभीरता पर विचार करते हुए दंडादेश दे सकता है। यानी कि अब यहाँ पर ये ऐसा तो है नहीं कि अगर 1 से ज़्यादा अपराध हो गए तो उस मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किया ही नहीं जाएगा, कहीं और भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भेजा नहीं जाएगा, क्या किया जाएगा, सभी आरोप लगाए जाएंगे और आरोपों को सभी क्या किया जाएगा, उसका ट्रायल किया जाएगा। अब ट्रायल होने को जब दंड देने की बात आती है ना, तो दंड देते समय न्यायालय ये डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आदेश में लिख सकता है कि जो सारे दंडादेश हैं, यानी कि जो मान लीजिए 3 आरोप लगे, ठीक है, 1, 2, 3 आरोप लगे, अब पहले में मान लीजिए 2 वर्ष की सज़ा, दूसरे में 1 वर्ष की सज़ा और तीसरे में मान लीजिए 6 महीने की सज़ा सुनाई गई, तो टोटल कितना हो गया, 3 वर्ष 6 महीने की सज़ा हुई। अब यहाँ पे जो 3 वर्ष 6 महीने हुए सभी आरोपों के लिए, तो यहाँ पे न्यायालय आदेश कर सकता है कि वो 1 साथ भोगे जाएंगे या फिर क्रमवर्ती रूप में, यानी कि पहले 2 साल आप जेल में रहोगे, फिर उसके बाद 1 साल और जेल में रहोगे, फिर 6 महीने और जेल में रहोगे, क्रमवर्ती रूप में रहोगे, ऐसा आदेश कर सकता है न्यायालय, चाहे तो कह सकता है कि 1 साथ भोगे जाएंगे या फिर क्रमवर्ती रूप में, ठीक है, ये होगी बात। दूसरा कहता है, दंडादेश के क्रमवर्ती होने की दशा में, यानी कि अगर न्यायालय ये ऐसा आदेश करता है कि 1 के बाद आपको सारे दंडादेश भोगने हैं, जेल में रहना है 2 साल, फिर 1 साल 6 महीने जो मैंने अभी बताया, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, अगर इन सभी को जोड़ने के बाद जो संकलित दंड है, संकलित दंड का मतलब सभी का जो योग है, उस दंड से अधिक है जो न्यायालय अपराध के लिए दोषी देने के लिए सक्षम है, यानी कि अब यहाँ पे मान लीजिए इस न्यायालय के पास कितनी पावर है, न्यायालय के पास 3 वर्ष की पावर है मान लीजिए, अब उस यहाँ पे जोड़ने पे कितना हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, 3 वर्ष 6 महीने हो रहा है,
अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायालय उसका दंड नहीं देगा या कि उसको किसी उच्चतर न्यायालय के पास भेजेगा ट्रायल के लिए, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, सारे दंडों को मिलाकर वो पनिशमेंट दे सकता है, यह बात। अब परंतु अब यहाँ पे देखिए, परंतु एक चीज़ और आती है कि अगर मान लीजिए किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर सारे अपराध को मिलाकर 20 वर्ष से अधिक का हो रहा है ना पनिशमेंट, तो वहाँ पे 20 वर्ष से अधिक के नहीं होने चाहिए, 20 वर्ष या उससे कम की ही हो सकती है। पहले यहाँ पे 14 वर्ष था, कहाँ पे सीआरपीसी में देखोगे, अब यहाँ पे क्या कर दिया है 20 वर्ष यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। उसके बाद संकलित दंड यहाँ कहता है कि उस दंड की मात्रा के दोगुने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वो सक्षम है। अब यहां पे जो संकलित दंड है, यानी जो यहां पे दंड का योग है, अब उस दंड के दोगुने से अधिक नहीं हो, कौन सा दंड, जो जिसके लिए जो न्यायालय है दंड देने के लिए सक्षम, यानी कॉम्पिटेंस है, उससे ज्यादा दोगुने से अधिक नहीं होना चाहिए। यह बात हो गई आपकी। अब इससे आगे जो दो तीन धाराएं हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो हम पढ़ने वाले हैं आपके कि वारंट के बिना गिरफ्तारी वगैरह वाले। इसके पहले जब आपका एक चैप्टर आता है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, दो तीन सेक्शन हैं पुलिस वालों के कर्तव्य बताया गया, उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे लेक्चर्स और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में।